राम राम मारे सभी किसान भाइयों ने, मारी मोकली मोकली राम राम। सभी किसान भाई जका मेरे चैनल से जुड़े रही, बाने मैं पहली भी दो बार कुछ वीडियो बना के बाँ के माध्यम से मैं बाने काफ़ी चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ फसल बीमा के बारे में। और एक बार फिर मैं वापस फसल बीमा ने लेके और एक बार फिर एक वीडियो थारे लिए अपलोड कर रही हूँ। जितना भी मारा किसान भाई हैं, जितना भी भारत का किसान भाई हैं, सारा का सारा मेरा ये वीडियो ने ज़रूर फॉलो करेगा। और अगर मेरे चैनल ने सब्सक्राइबर नहीं कर रखी है तो मैं चैनल ने सब्सक्राइब भी ज़रूर कर ली, ताकि बाने समय समय पर फसल बीमा से रिलेटेड सारी जानकारी जी वह समय समय पर मिलती रहे। तो किसान भाइयों, आज मैं थाने कुछ और जानकारी फसल बीमा की जगह ही वह मैं कुछ कृषि विभाग से लेके आया हूँ। और मेरी काफ़ी देर बाद से बात हुई, मीटिंग भी हुई, और मीटिंग होने के बाद के मैंने काफ़ी चीज़ें मैं बात से समझ के आयो कि किसान भाइयों के लिए मैं के नई चीज़ें और नई जानकारी जबकि बान बिल्कुल पतो नहीं है, वह सारी जानकारियां से मैं बान रूबरू कराऊं, ताकि बान फसल बीमा को जितो बेनिफिट जितो फ़ायदों मिल सके बितो फ़ायदों में थाने फसल बीमा को करवाऊं। और थारो भी सागे दायित्व बने कि अगर थारकन कोई भी किसान भाई कन या किसान भाई का जो भी बच्चा ही जगह मेरा वीडियो देख रहे हैं, बाँ सबसे मेरी एक विनती है कि वीडियो जितना भी मैं अपलोड करूँ वह थारे हित का करूँ, थारी जानकारी के लिए करूँ, थारे कोई चीज़ को नुकसान नहीं हुआ भी के लिए करूँ। तो थे हमारे वीडियो ने शेयर जरूर कराया करो, ताकि अपना जितना भी छोटा मोटा किसान भाई जका ने फसल नष्ट होने को जो को नुकसान हो रही है भी की भरपाई बाकी कोनी हो रही, बन लगातार नुकसान हो रही है बारिश की वजह से, तो बिना लेके मैं कुछ जानकारियाँ जकी हैं वह मैं थारे साथ शेयर करूँ। अगर थाने बढ़िया लगे तो कॉमेंट और लाइक करके थे मैंने ज़रूर बताओगा कि मेरा जो भी मैं थारे लिए जानकारी भेज रही हूँ वह थाने क्या की लगे, बढ़िया लगे तो कमेंट के जरिए थे मन जरूर बताओगा। तो आज आप बात करांगा खरीफ फसल 2022, खरीफ फसल की जकी बीमा है 2022 की होने वाली, जकी की 31 तारीख लास्ट डेट है। बहुत सा किसान अभी भी चेतो करियो को नहीं, नुकसान जो को है वो मैं बार काफ़ी खेतों का मैंने जाके आयो संडे ने, रविवार ने मैं काफ़ी खेतों में अगर निकलियो देख के आयो, काफ़ी नुकसान जो को हुए है वो तो क्लियर है जगह में कोई डाउट को नहीं। और बी की भरपाई अपन क्या करनी है, बी की सारी जानकारी जकी है वह मैं उठा के लेके आया हूँ, जकी थार तक भेज रही हूँ। और थे बिन बाकायदा बिल्कुल सारी सुनोगा समझोगा, वीडियो ने पूरा जरूर देखोगा, नहीं थारे कोई चीज़ समझ में को नहीं आएगी। सबसे पहले तो मैं थाने के जानकारी और के बेस पे दे रही हूँ बी चीज़ की मैं थाने बिल्कुल क्लियर कर दूँ। वो पर्चो जो को थाने दिख रही है ई पर्चन बाकायदा पढ़ लियो, खरीफ फसल 2022 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बाकायदा SBI की गाइडलाइंस ही, SBI की गाइडलाइन के मायने सारी जानकारी जकी ही वह एक मायने दे रही हैं। काफ़ी किसाना का सवाल ही और सवाल का जवाब भी हैं, तो मैं थाने सवाल भी बता सूँ और सवाल को जवाब भी दे सूँ। एक एक सवाल ने थाने बाकायदा समझनो है कि मैं थाने सवाल के बतायो, सवाल के करियो। किसान को काम है सवाल करने को, जो को सवाल एज एक मैं किसान के नाते मैं कर रही हूँ, और बीमा कंपनी के नाते मैं थाने भी को जवाब भी दे दूँ। इनकी जानकारी जकी है वह इन पैम्पलेट के मायने बाकायदा सारी की सारी जानकारी जकी ही वह बाकायदा एक मायने अपलोड करे रही हैं, जकी थे आराम से देख सको। मैं थाने दिखा रही हूँ इन बात खातर हूँ कि थाने यहाँ नहीं लग गया कि मैं आधी अधूरी कोई जानकारी कठूँ लेके आऊँ थाने बताऊँ, इसलिए मैं थाने क्लियर कर दूँ कि मेरी सारी जानकारी जकी ही वह प्रॉपर ऑफिस की जानकारी ही, बिना ऑफिस की कोई जानकारी मैं थारे साथ शेयर कौन करूँ, और इसी कोई जानकारी मैं थारे तक कौन भेजूँ जकी का मायने कोई तथ्य नहीं हुए और जकी वो कोई सबूत नहीं हुए। सबसे पहली पोत तो मैं थाने बताऊं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जगी है बा आ है कि फसल बीमा फसल जगी आप खेत में लगावा खरीफ की ओर चाहे रबी की ओर, बी के मायने आपनो जो को आर्थिक नुकसान होवे, आप खेती करी और अपनी खेती उजड़गी, बरसात ज़्यादा आ गई, सूखो पड़ गयो, बी की वजह से अगर अपनी फसल नष्ट हुई है तो बी नष्ट होने को मुआवजो जो को है बा बीमा कंपनी और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सारा जगह शेयर मिला के आपने बी की भरपाई करें और आपने बी को नुकसान होने से बचावें। बी को मतलब है फसल बीमा योजना, जके के माध्यम से आपने एक नॉर्मल मिनिमम प्रीमियम लगे, बाकी सारों प्रीमियम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपके कन्नों देवें, और नुकसान हुए तो बी को 100% क्लेम जो है वो आपन वे प्रोवाइड करावें, वो है फसल बीमा को मतलब। दूसरी बात आई कि मायने कि फसल बीमा कौन कौन करा सके,
फसल बीमा कौन कौन करा सके। अब वो भी एक किसान को सवाल है कि फसल बीमा कौन सो किसान करा सके। तो अब ये चीज़ मैं थाने एकदम क्लियर कर दूँ कि इन के मायने एक तो ऋणी किसान, ऋणी किसान को मतलब तो है कि जको किसान खेत की केसीसी करवा रखी है, जको बैंक से ऋण ले रखी है खेत के ऊपर, वो किसान भी आपकी फसल की बीमा करवा सके और भी की बैंक जकी है वह ऑटोमेटिक भी की बीमा कर देवे। दूसरो है गैर ऋणी, गैर ऋणी को मतलब वो है कि जको किसान केसीसी नहीं ले रखी है, जको किसान केसीसी नहीं ले रखी है वो भी आपके खेत की फसल की बीमा करवा सके, बिना भी करवाने को अधिकार है। वो आपकी फसल बीमा नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाके आपका तीन डॉक्यूमेंट लेके जासी, एक बैंक की पासबुक, एक जमाबंदी और एक आपके खेत में फसल के लगा रखी है कितना बीघा में बारा किया बी को एक प्रमाण पत्र बने, जो को किसान को खुद आप आपके हाथा से साइन करके लिख के देगो। वो थाने कोई तहसीलदार से कटे से भी बिन प्रमाणित कौन कराने की जरूरत, वो थाने स्वयं प्रमाणित करना है थे थारा खुद का हस्ताक्षर करके, और भी मैं सारी डिटेल भर के देगा कि हमारे एक खेत हमारे इतना बीघा खेत हो और भी खेत के मायने में आ फसल वा रखी है और इको ओ सारो को सारो जो को है वो सिस्टम भी का मायने तो लेखो जो को देगा। तीसरो हुए बंटाईदार, बंटाईदार बिन बोलें कि भाई मेरी ज़मीन है और मेरी ज़मीन ने मैं कोई ने बाण खातर दे रखी है तो वो मेरा बंटाईदार है, यानी वो मेरा आधा हिस्से को मालिक है, वो खेत का मैं जितनी भी फसल हो सी भी वो आधा हिस्सों मन देसी, तो ज़मीन तो मेरी है और बंटाईदार यानी खेत बाण वालों कोई दूसरों है, तो खेत बाण वालों दूसरों है वो भी खेत की बीमा करवा सके, यानी वो भी खेत की बीमा करा सके। कि अब बंटाईदार को मतलब जो जो खेत बाव है वो है, अब खेत जो को बाव है बिना खेत को मालिक एक 50 रुपया का स्टाम्प के ऊपर बाकायदा लिख के देगो कि वो मेरा बंटाईदार है और वो मेरे खेत ने बाव है, और इनकी अगर कोई फसल को नुकसान हो जावे या इनकी फसल नष्ट हो जा तो मैं इन्हें परमिशन देऊं 50 रुपया के स्टाम्प के ऊपर लिख के कि भाई थे इन्हें भी स्टाम्प के पेपर का आधार के ऊपर थे इनके खेत की बीमा कर दो, ताकि वो मेरो बंटाईदार है वो मेरो किसान है इनका नुकसान नहीं होवे, क्योंकि बारियो तो वो ही है पिसा भी वही लगा रही है तो नुकसान तड़का हो सी तो वो भी नहीं मिल सी। तो जितना भी आज आपने बहुत सा किसानी वाल का ही जहाँ के खुद की ज़मीन को नहीं वह दूसरे की ज़मीन बावें और दूसरे की ज़मीन बावें जब वहाँ के बेचारा का नुकसान हो जाए की भरपाई भी कोई कौन करे। इसलिए गवर्नमेंट बा ने भी मतलब एक प्रावधान दियो है कि ज़मीन को मालिक है वो मालिक आराम से लिख के देगो स्टाम्प के ऊपर और भी के बाद कमाई ना वो है जो बंटाईदार है वो भी कमाई ना फसल की बीमा कर सके। तीसरो वह साझेदार, साझेदार को मतलब वो वेगा आपने खेत की जमाबंदी है भी कमाई ने तीन चार जना का नाम हो जा, कभी पिताजी खत्म हो गया पिताजी खत्म हो गया जो बाण का भी नाम चढ़गी भाई का भी नाम चढ़गी माँ का भी नाम चढ़गी, अब वह तीनों अलग अलग हो गया तीनों का भी कमाई ने एक ही खसरे कमाई ने तीन जगह होगी डिवाइडेशन हो गया भी को, तो भी मैं अगर बहन और माँ लिख के देवे तो बेटो जो को अभी की बीमा करा सके, अगर बेटो और बहन लिख के देवे तो माँ बीमा करा सके, अगर मार बेटो लिख के देवे तो बहन बीमा करा सके, यानी तीनों मिलके तीनों जना मिलके ही बेबी की एक जने ने एक शपथ पत्र लिख के दे दी स्टाम्प के ऊपर कभी मैं तीनों साझेदार आई का जमाबंदी मारी है और मैं एक ही परिवार का सदस्य हाँ, मारे सगले खेत की बीमा अगर एक जनों करवावे वो आपके खाते का मैंने क्लेम लेना चाहे तो मारे कोई ऑब्जेक्शन को नहीं, बाकी दो जना के अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वह बीबी का मायने साझेदार के मायने लिख के दे सकें तो वो बीबी में एक जनों खेत बाण वालों है नहीं तो वो आराम से भी की बीमा करा सके भी का कोई कोई दिक्कत को नहीं, इनका सारा प्रावधान है। कोई क्या अगर की बात समझ में नहीं आवे तो वो मेरे संपर्क कर ले, मैं बाकायदा बिन सारी चीज़ें क्लियर कर देसूँ, मैं सारी चीज़ें बता देसूँ। बिन के बाद के मायने आगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए बीमित राशि क्या होगी। अब बीमित राशि जगी यानी वह लगभग या मान्यों के न्यूनतम राशि हुए, न्यूनतम राशि हुए कभी का मायने मात्र कुछ एक छोटो सो % हुए जो को किसान ने पे करना पड़े, बाकी सारों को सारों गवर्नमेंट ही पे करें, अपन कोई लंबी चौड़ी भी को प्रीमियम है ना जो को पे करना पड़े अपनों तो नॉर्मल एक हिस्सो आवे बिग माइने 1.5% 2% को वो अपन बिग माइने देना पड़े, बाकी अपन की देने की जरूरत को नहीं। बी के बाद के माइन आ गयो फसल बीमा के लिए कृषक द्वारा देय प्रीमियम दर क्या है। अपन 1.5% में थाना बात पहले के मैंने बता दी कि 1.5% प्रीमियम है नहीं वो तो अपन पे करना पड़ेगा जितो भी आओगे और बाकी सारी की सारी राशि है जी की सरकार है जी की आप वहन करेगी और आपने बीमा की जितनी भी वैल्यू बने वह बीमा कंपनी ने आ गवर्नमेंट देसी अपन देने की जरूरत को नहीं, अपन तो क्लेम का हकदार हाँ अपन तो क्लेम ही मिलसी और अपना क्लेम ही ले सियाँ। राजस्थान राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कौन कौन से जोखिम शामिल हैं। अब एक महीना देखो कौन